तो एम्पलीफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर देखिए घर में सभी के यहाँ अगर केबल कनेक्शन है और कई घरों के बाद सिग्नल वीक होने लगता है, तो हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ टीवी बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। तो केबल ऑपरेटर क्या करता है, एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस आपके घर के पास लगा देता है और प्रॉपर सिग्नल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पल्स को एम्पलीफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? जैसे कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो सर्किट्स हैं वो एलसीआर सर्किट है, जिसको हम इम्पीडेंस कह रहे हैं, बेसिक सर्किट्स हैं। अब उससे तो अगर हम इतने बड़े काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स कंटिन्यूअस सर्किट्स बढ़ते चले जाते हैं, तो उनके ग्रुप ऑफ सर्किट्स को हम नेटवर्क्स कहते हैं। अब नेटवर्क्स में क्या है कि अगर कोई भी अगर हम इनपुट सिग्नल देते हैं, वो आइदर वोल्टेज के पोटेंशियल के फॉर्म में हो या पल्स के फॉर्म में हो, और वो जैसे जैसे नेटवर्क्स के थ्रू जाता है तो लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो जब हमें आउटपुट की जरूरत पड़ती है उस समय तक सिग्नल हमारा वीक हो जाता है। तो अब वीक सिग्नल हो गया तो हमारे लिए डिफिकल्टीज है, फिर हम क्या करते हैं कि एम्पलीफिकेशन डिवाइस यूज करते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, सॉरी पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं, दो डायोड, बेसिकली टू डायोड से हम कोई भी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की टाइम में जैसे मोबाइल चार्जर है, अब आप देखिए मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, तो हम टू डायोड से जो अल्टरनेटिव करंट है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उस चार्जर से बेसिकली जो हम चार्जर यूज करते हैं उसमें क्या है, पावर सप्लाई। तो उस चार्जर से हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो परफेक्ट डीसी नहीं है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम फोर डायोड यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए, फोर डायोड जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। अब उसके बावजूद भी वो ऑल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में आने के लिए अब क्या करेंगे, उसमें ऑल्टरनेटिव करंट के पल्सेस भी हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर यूज करेंगे, जैसे कैपेसिटर फिल्टर है, इंडक्टेंस फिल्टर है, और अगेन कैपेसिटर लगाया तो पाई फिल्टर बन गया। तो अब आप देखिए कि इतने सारे के फोर डायोड्स लेंगे, उसके बाद फिल्टर्स लेंगे, तो यहाँ तक आते आते सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आपने देखा होगा सर्किट्स में सिग्नल को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हम इस फिल्टर के बाद क्या यूज करते हैं, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एम्पलीफिकेशन डिवाइस। और ट्रांजिस्टर के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक जेनर डायोड यूज करते हैं। और जेनर डायोड का फंक्शन क्या है, जेनर डायोड बेसिकली क्या काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और देन हमें परफेक्ट आपको एसी से डीसी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं ये जो कंप्लीट सर्किट है वो है इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब ये तो बात हुई एम्पलीफायर की कि हमें एम्पलीफायर की क्यों जरूरत पड़े। बात ये है कि अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब एम्पलीफायर्स में क्या है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, उसके बाद क्या है, कपलिंग, कपलिंग एम्पलीफायर, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, एक डायरेक्ट कपलिंग भी है जिसमें हम किसी की कपलिंग नहीं करते, डायरेक्ट एम्पलीफायर, जैसे ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर, हम मल्टी स्टेज में कनेक्ट करके जिसको हम कैस्केड एम्पलीफायर कहते हैं, उसी में सिमिलरली आपका एक है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें साइंस में आपने देखा होगा कि हमने एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज किया, फिर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया। अब ये सब क्या है, जब कोई भी हम नया इन्वेंशन करते हैं और जब उसको प्रैक्टिकली लैब में डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। जब वो ड्रॉबैक्स सामने आते हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं, तो एक नया एक्सपेरिमेंट, जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की कुछ ड्रॉबैक्स थे तो हमने किसको लिया, फिर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर को स्टार्ट किया। तो अब हमारे बात सामने आती है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, दिस एम्पलीफायर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जैसे फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, सेकंड स्टेज एम्पलीफायर, थर्ड स्टेज, तो हम इसको कैस्केड एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, कैस्केड। आप ऐसा क्यों किया कि देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिंपल से सर्किट्स में अगर हम एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं, अब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स में जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज फर्स्ट स्टेज सेकंड, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एम्पलीफायर, दोनों को क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट और सेकंड स्टेज के
इनपुट को कनेक्ट कर, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर वन स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द सेकेंड स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर बाई कपलिंग द ट्रांसफॉर्मर बिकॉज वी कैन अचीव इम्पीडेंस इक्वलिटी थ्रू द ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का वो यही है कि हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग कर लेते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ द टू स्टेज कैन बी इक्वल इफ एनी स्टेज हैज लो और हाई इम्पीडेंस वैल्यू बाई ट्रांसफॉर्मर, सो द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन ऑल्सो इंक्रीज। दीज एम्पलीफायर आर प्रेफरेबल वेन द लोड इज स्मॉल एंड यूज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन पर्पस। अब ये सारी चीज इस कंडीशन में क्या है, द रीजन बिहाइंड, अब जो हम ट्रांसफॉर्मर में इम्पीडेंस मैचिंग कैसे करते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग द ट्रांसफॉर्मर इन एम्पलीफायर से दे प्रोवाइड इक्वल इम्पीडेंस। अब इक्वल इम्पीडेंस का मतलब इम्पीडेंस मैचिंग विद लोड कैन बी पॉसिबल थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर्स विच आर यूजिंग इन द एम्पलीफायर। अब उस मैचिंग को हम दोनों ट्रांसफार्मर की मैचिंग को किस तरह करेंगे, जैसे अब ट्रांसफार्मर क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर टू टाइप्स होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। अब ट्रांसफार्मर्स में अब हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। अब आप देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होती है, टू कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रांसफार्मर के लिए क्या किया है कि P1 और P2, P1 प्राइमरी कॉइल और फर्स्ट ट्रांसफार्मर P2 इज द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंड ट्रांसफार्मर का B1 इज द प्राइमरी कॉइल और B2 इज द सेकेंडरी कॉइल आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। द प्राइमरी कॉइल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इंपीडेंस आर रिलेटेड टू दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी मैचिंग कर सकते हैं कि B2 इक्वल टू मींस सेकंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू सेकंड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल इनटू फर्स्ट प्राइमर की P2 सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल और स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द टू ट्रांसफार्मर कॉइल इंपीडेंस आर रिलेटेड टू द ईच अदर। अब ये तो आपका ट्रांसफार्मर का पॉइंट। अब आप देखिए ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर दोनों ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था, इंडिकेट किया था कि हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ओनली ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करते हैं, स्टेप अप, लेकिन हम स्टेप डाउन भी करते हैं। जब हम इनपुट सर्किट इनपुट देते हैं तो उस समय आपके देखिए लैब में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास जितने भी ट्रेनर किट्स हैं वो कितने होंगे, आइदर 9 वोल्ट पर वर्क करने वाले, 12 वोल्ट पर वर्क करने वाले या 6 वोल्ट पर। तो हम वहां पर और हमारी लैब में जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो कितने वोल्ट पोटेंशियल की है, 220 वोल्ट। तो वहां पर हम इनपुट्स में जब हम पोटेंशियल दे रहे हैं तो कितने का, 220 से हम जनरली मैक्सिमम 12 वोल्ट पर लेते हैं। तो इनपुट के समय पर हमने ट्रांसफार्मर यूज किया स्टेप डाउन, और इनसाइड जहां पे हम कपलिंग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की एम्पलीफिकेशन के लिए वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब बात आती है कि हम जो आज एक्सपेरिमेंट के लिए बैठे हैं कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इससे हमें क्या करना है, टू स्टडी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफिकेशन की स्टडी करनी है कपल्ड एम्पलीफायर। तो इसके लिए कौन कौन से एपरेटस की हमें आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये है ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर ट्रेनर किट जिसमें सारी चीज लगी हुई है। इनपुट में ट्रांसफार्मर भी लगा है, इनपुट डिवाइस लगी है, कंप्लीट एक सर्किट बना हुआ है जिसके थ्रू ट्रांसफार्मर कपलिंग हो सकती है और लोड पे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हम आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एसेसरीज क्या चाहिए, वैसे तो जनरली हम लैब में अब पिछले लास्ट 5 to 6 ईयर्स से हम ऑसिलोस्कोप की हेल्प से कर रहे हैं, इससे पहले हम BTBM करते थे। तो BTBM पर हम आउटपुट लेते हैं, दिस इज द BTBM। BTBM क्या है, वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, और ये क्या है, फंक्शन जनरेटर, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन जनरेटर की जरूरत है जिसका हम वेरिएशन 10 हर्ट्ज से, मतलब 10 साइकिल पर सेकेंड से 50 किलो साइकिल पर सेकंड तक
हम वेरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये फंक्शन जनरेटर है जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखा है, ये फंक्शन जनरेटर है। इसकी रेंज हमें चेंज करनी है कि अगर ये 100 हर्ट्ज तक का है, 500 हर्ट्ज तक का है, 1 किलो तक का है, 20 किलोज तक का है, 50 किलोज तक का है, 100 किलो हर्ट्ज तक का है, और उसको हमें नॉब को रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद इस नॉब की हेल्प से स्मूथली हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एपरेटस हमें रिक्वायर्ड चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो एक तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर ट्रेनर किट, जिसकी हेल्प से, जिस पर पूरा एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है, और उस सर्किट, उस ट्रेनर किट की हेल्प से हम आउटपुट किसकी हेल्प से लाएंगे, पीटीबीएम। अब देखिए बीटीबीएम में अगर हम आउटपुट लेते हैं तो वोल्टेज गेन में पोटेंशियल को ही हम आउटपुट वोल्टेज को रीड करेंगे। उसमें क्या है, इसमें हमें बीटीबीएम में क्या करना है, ये जैसे ये बीटीबीएम है, सबसे प्रिकॉशन से ऑल्टरनेटिव करंट को फिक्स करके उसको जीरो करें, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है कि हम जो पोटेंशियल ले रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव करंट के लिए ले रहे हैं, तो हम इसको जीरो पर सेट कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव करंट के लिए परफेक्टली। तो हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर लेंगे। सेकेंड थिंग, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, जैसे 10 हर्ट्ज पर लेना है, 20 हर्ट्ज पर लेना है, 50 हर्ट्ज पर लेना है, और 100 हर्ट्ज पर लेना है, तो हम फंक्शन जनरेटर की हेल्प से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हम इसकी वोल्टेज आउटपुट गेन निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो चीज, ये तो अब इसमें क्या है, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी में, तब हमें एक ग्राफ आएगा, ग्राफ प्लॉट होगा, फिर हमें पता लगेगा। लेकिन इमीडिएटली, क्योंकि आजकल के बच्चे को ये दिखाना भी जरूरी है कि देखिए जो हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया है उसमें इनपुट ये था, और अब देखिए एम्पलीफायर हुआ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी इनपुट सिग्नल है उसको हमने उसके गेन को उसको एनहांस कर दिया, तो हम ऑसिलोस्कोप से डायरेक्टली उसको दिखा सकते हैं। देखिए हमने इनपुट में ये था, फ्रीक्वेंसी ये थी या पल्स ये थी, पोटेंशियल ये था, और आउटपुट में ये, तो ये चार एपरेटस की हेल्प से हम ट्रांसफार्मर का कपल्ड एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं, और ये जो है कनेक्टिंग लीड्स। अब है सर्किट कि जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि जो ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर किट, ट्रेनर किट है, वो ये कंप्लीटली ये सर्किट बना। अब ये सर्किट क्या है, देखिए ये है यहाँ पर इनपुट सिग्नल, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, आप सभी जानते होंगे ये जो पल्स को इस तरह इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, जैसे जिसकी हम बात कर रहे थे स्टेप डाउन, क्योंकि बाहर से जो पोटेंशियल लैम में आ रहा है वो 220 वोल्ट है, और हमें ट्रेनर किट हमारा किस पर डिजाइन है, 12 वोल्ट पर मैक्सिमम। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर लैब में हमने 220 वोल्ट का डायरेक्टली कर दिया तो जो हम कनेक्शन करते हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। इसी वजह से 12 मैक्सिमम 12 वोल्ट हम पोटेंशियल का करंट यूज करते हैं, तो उस करंट को हम सस्टेन कर सकते हैं हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम इसको स्टेप डाउन से हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देके मैक्सिमम 12 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये सी इन, ये मतलब कैपेसिटर इनपुट, इसका काम क्या है, कैपेसिटर इनपुट का काम है, फंक्शन यहाँ पर है कि डीसी को रोकना, डीसी करंट को रोकना और अल्टरनेटिव करंट को पास करना, क्योंकि हमें ओनली अल्टरनेटिव करंट चाहिए। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर देखिए R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं, ये क्या कर रहे हैं सिस्टम को, ये स्टेबलाइज कर रहे हैं पूरे सर्किट्स को। जब ये स्टेबलाइज होंगे तो तभी हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर पाएंगे। अब आप ये देखिए बी प्लस बी सी सी प्लस 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, मैक्सिमम 6 वोल्ट तक हम लेते हैं, और यहाँ से R1 और R2 जो हम स्टेबलाइजेशन करते हैं, ये क्या है, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर्स भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है उसको पोटेंशियल डिवाइड करके R1 R2 को स्टेबलाइज करके और ट्रांजिस्टर को ऑन कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि करंट का फ्लो बाहर की तरफ, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो इमिटर करंट है, इमिटर के साथ साथ हमने यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस कौन सा लगा दिया, इमिटर रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में हमने लगा दिया
कैपेसिटर इमिटर। अब इसका क्या रोल है, इमिटर रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या है कि हम ये करते हैं कि यहां से करंट को रोकें, मिनिमाइज करें। द इमिटर कैपेसिटर प्रोवाइड ए लो रिएक्टेंस विद पाथ टू द सिग्नल एंड ऑफर स्टेबिलिटी टू द सर्किट। तो और ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि हमने यहाँ पर इमिटर कैपेसिटर लगाया, इसको हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ये करंट को बाईपास कर। अगर इनकेस ये हम सर्किट यूज नहीं करते तो क्या होता, तो यहाँ से जो इमिटर करंट है वो क्या जाती, यहाँ जाके और इनपुट सिग्नल, इनपुट को सिग्नल्स को क्या करता, डिस्टर्ब। और इस मेन इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि पूरे सर्किट्स को करते समय हमें इनपुट सिग्नल को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद कलेक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया प्राइमरी कॉइल से, ये ट्रांसफार्मर है। देखिए मैंने अभी आपसे बात की थी कि पी वन इज ए प्राइमरी कॉइल, पी टू इज ए सेकेंडरी कॉइल, तो ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर। अब इन दोनों के बीच में हम कपलिंग कर रहे हैं। अब इस कपलिंग से इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि हम इम्पीडेंस की मैचिंग करते हैं। इम्पीडेंस क्या है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जो सर्किट है उसको अगर हम परफेक्ट मैचिंग करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंटली वोल्टेज गेन अच्छा मिलेगा इसका। अब आप देखिए ये फर्स्ट सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर का पैड एम्पलीफायर हो गया एक सिंगल। अब हमने आप देखिए जो सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर और दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से। और यहाँ पर अगेन आर वन आर टू वही सेम कंडीशन, दोनों सर्किट्स को हमें क्या कर रहे हैं, ये स्टेबलाइज कर रहे हैं। और ये फिर अगेन हमने कैपेसिटर्स को कलेक्ट किया सेकंड ट्रांसफार्मर के पी वन को और पी टू को यहाँ पर मैचिंग किया, और यहाँ पर जो आपका इमिटर रेजिस्टेंस है वो अगेन करंट को रोकेगा और उसको जो इमिटर कलेक्टर है वो बाईपास करेगा। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग है ट्रांसफार्मर का पर एम्पलीफायर किस तरह वर्क करता, और इसी सर्किट के आधार पर एक हमारे पास जो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड्स में आपको शो किया था वो क्या था, वो एक ट्रेनर किट था, उसकी हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बात आती है कि देखिए वो हमने वहां पर डिजाइन किया था और इसके बाद ये मैंने सबको इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश किया। ये ऑसिलोस्कोप है, ये फंक्शन जनरेटर है, ये आपका क्या है, ये ट्रेनर किट है ट्रांसफार्मर का पढ़ने एम्पलीफायर का। देखिए ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर ये पूरा सर्किट बना हुआ है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे देखिए ये इनने छोटा सा एक फंक्शन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के दो तीन सेट्स लगा दिए हैं कि डिफरेंट थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप कर सकते हैं। लेकिन हम पीजी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर यही यूजी में करते तो इन तीन से काम चल जाता, अगर हम पीजी में कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करेंगे जिससे कि इस परफेक्टली आपका ग्राफ प्लॉट हो सके। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है, हम ये सारे के सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस तरह कनेक्ट करें। तो कनेक्ट द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एट द इनपुट टर्मिनल्स एंड कीप द इनपुट वोल्टेज वी आई। अब पोटेंशियल क्या है, इनपुट वोल्टेज उसको हमने फिक्स कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया भी था कि इनपुट पोटेंशियल हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टेंट रखेंगे, ये हम प्रयास करें। इसीलिए हम बाईपास सर्किट यूज करते हैं, जो आपका कैपेसिटर्स बाईपास यूज करते हैं जिससे कि वहां से करंट इनपुट सर्किट को नहीं जाए। तो ये आपका फर्स्ट इनपुट टेन पे बोल कनेक्ट बीटीबीएम अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल टू मैच द आउटपुट एसी। अब आप देखिए बीटीबीएम वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, अब इसको मैंने आपको शुरू में दिखाया था वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर की हेल्प से हम वोल्टेज गेन का आउटपुट एडजस्ट इन द रिक्वायर्ड रेंज, जिस रेंज में हमें लेना है, जिस रेंज में आ रहा है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के साथ हम उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने पहले भी प्रीवियस में बताया था, मेक इट्स जीरो एडजस्टमेंट, हमें स्टार्टिंग करने से पहले बीटीएम का आउटपुट लेने से पहले उसको फिक्स कर लें जीरो पर, जिससे कि परफेक्ट रीडिंग आ सके। वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इन स्टेप फ्रॉम 10 साइकिल पर सेकंड टू 50 किलो साइकिल पर सेकंड, मींस इस रेंज में इस फ्रीक्वेंसी से हम 10 साइकिल पर सेकंड से 50 किलो साइकिल पर सेकंड तक हम वेरिएशन कर सकते हैं, एंड एट ईच फ्रीक्वेंसी मेजर द आउटपुट वोल्टेज बी जीरो। तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग हम करेंगे और आउटपुट वोल्टेज निकाल देंगे। देन
किसकी हेल्प से? BTBM की हेल्प से, और इस काम को हम ऑसिलोस्कोप की हेल्प से भी कर सकते हैं। दोनों को हम BTBM भी यूज कर सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर, और ऑसिलोस्कोप भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन। अब आप देखिए कि वोल्टेज गेन हमें करना है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग द रिलेशन वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन क्या है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वी नॉट अपॉन इनपुट वोल्टेज Vi। तो जो अब इस प्रोसीजर की हेल्प से हम सर्किट को डिजाइन कर दिया। अब आप देखिए, मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, क्योंकि जो रीडिंग्स आप नोट करेंगे उन्हें हमें कॉपी में नोट करनी है। देखिए, जो मैंने ये सिर्फ इसीलिए इस पावर पॉइंट को बनाया है, रिकॉर्ड आपको इसी तरह मेंटेन करना है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फॉर्म, फिर आपको एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना है, फिर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर्स में फिर उसका सर्किट्स क्या है, जो उसका सर्किट है कि किस सर्किट की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मर का एम्पलीफिकेशन देखेंगे, कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की एम्पलीफिकेशन देखेंगे, फिर जो हम वोल्टेज गेन इनपुट का वो जो ऑब्जर्वेशन टेबल है हम ये बनाएंगे। तो देखिए, हमने क्या किया ऑब्जर्वेशन टेबल में, कि ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इनपुट वोल्टेज Vi, जैसे कि मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में, हम उसको फिक्स कर देंगे 10 मिलीवोल्ट। अब ये क्या है? अब आप देखिए कि ये सीरियल, मैंने 10 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड, 100, 200, फिर 500, 1 kHz, फिर 200, इस तरह आप रीडिंग नोट कर लीजिए। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इन वोल्ट्स, तो Vi तो फिक्स है। अब आप 10 साइकिल पर सेकेंड्स पर आपका वोल्टेज गेन क्या आया वो यहाँ नोट कर लीजिए। 50 पे क्या आया, 100 पे क्या है, 200, ये कहाँ तक हमें जाना है? अप टू 50 kHz तक, ठीक है। जब हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाए और इनपुट वोल्टेज आपको पता है, तो आउटपुट वोल्टेज आपने निकाल इस टेबल से ले ली, तो इनपुट वोल्टेज आपको पता है 10 मिली वोल्ट, तो वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वोल्टेज गेन क्या है, जैसे मैंने पहले भी फॉर्मूला आपको बताया था, वी नॉट अपॉन Vi। अब यहाँ पे इसको निकाल दीजिए, देन जो फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं, जैसे 10, 50, 100, 200, 500, 1 kHz, 1000, तो इनको लॉग 10 में हम क्यों लेते हैं? अब आपका देखिए रेंज बहुत ज्यादा है, 10 हर्ट्ज से लेके 50 kHz तक, तो ग्राफ प्लॉट करने में डिफिकल्टी होगी। तो हमने क्या किया कि इस वाले को लॉग ले लिया, और जो ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग 10 फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज गेन। इस तरह आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इंस्ट्रूमेंट वर्क किस तरह का, जैसे मैंने अभी अब आप देखिए, सभी लोग आपको ये भी पता लग गया कि हमें क्या करना है, दूसरी चीज ये भी पता लग गया कि किस तरह एपरेटस को डिजाइन करना है, हमें एक्सपेरिमेंट किस तरह करना है, एपरेटस किस तरह सर्किट बनाना है, ये सारे करने के बाद मैंने एक मिनट की वीडियो, फिर सेकंड्स की वीडियो है, आप ये देखिए, एक रीडिंग लेनी है। अब आप देखिए, इसने 50 हर्ट्ज पर कर दिया और उसको स्मूथली ज्वाइन किया और इनपुट सिग्नल दिखा रहा है ऑसिलोस्कोप में, ये दिस इज द इनपुट सिग्नल, ठीक है, सभी देख रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल है, हम डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप पे दिखा रहे हैं। अब हमने फंक्शन जनरेटर को इनपुट सर्किट्स में कनेक्ट किया, ठीक है। अब आप देखिए, दो करेक्शन और लीजिए, अब हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इसको फिक्स किया और इसके आउटपुट सर्किट से हमने ऑसिलोस्कोप का कनेक्शन कर दिया, BNC कनेक्टर को। अब देखिए, दिस इज द आउटपुट, जो इनिशियल पल्स थी, अब देखिए फाइनली गेन कितना होगा, एकदम पल्स एनहांस हो गए। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट, इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, function generator output.
action generates an output signal to the input of the trainer. Select the load from S3 load. Now connect the output of trainer kit to the oscilloscope and turn down the output voltage. अब आप ये देखिए, इस आपने अभी मैंने वर्किंग कनेक्शन करके भी दिखाया एक वीडियो की हेल्प से कि आप किस तरह एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म करेगा। ठीक है, आप सभी लोगों की समझ में मेरे ख्याल से बहुत इजीली आ गया होगा और इसी तरह आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इसके बाद ये सारी चीजें आपको जो एक बार मैंने वीडियो में दिखाया है, ये पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे दिखाया था 50 हर्ट्ज पे, अब यही आपको क्या करना है 50 हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज तक कम से कम 20 रीडिंग्स नोट करनी है, मतलब 20 टाइप्स यही प्रोसीजर आपको रिपीट ऑप्ट करना है। मैंने BTBM की जगह पर ऑसिलोस्कोप को इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि जिससे कि आपको विजुलाइज हो सके कि जो हमने इनपुट सिग्नल लिया था हमारे इस ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की तरह हेल्प से कितना सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, जैसे कि आपने देखा। तो ये सारे की सारी रीडिंग एवरी टाइम्स आप वोल्टेज गेन, अब आप देखिए ऑसिलोस्कोप में भी आप वोल्टेज को रीड कर सकते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाके आप उसकी रीडिंग नोट करिए और उसको लिख दीजिए कि इतना वोल्टेज आया, वोल्टेज गेन में इतना आया, इतना मिली वोल्ट आया, इतने वोल्ट आया। तो आप इसी तरह पूरी की पूरी मिनिमम 20 रीडिंग्स आप लेके इसको आगे बढ़ेंगे और 20 रीडिंग्स लेंगे देन इन ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो क्या है, रिजल्ट्स क्या है, और रिजल्ट क्या है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल प्लॉट ए ग्राफ बाय टेकिंग द वोल्टेज गेन ए। वोल्टेज गेन ए क्या है, वी नॉट अपॉन वी आई ऑन वाई एक्सिस एंड लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस। लॉग जो आपने फ्रीक्वेंसी ली थी 10 हर्ट्ज से लेके या 50 हर्ट्ज से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक का, उसका लॉग लेके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसे मैं आपको इसको, ये ग्राफ है उसको देख लीजिए, दिस ग्राफ इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, अब आप ये देखिए कि लो फ्रीक्वेंसी में देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और इसमें अंतर है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो क्या ड्रॉबैक्स था, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कॉन्स्टेंट ग्राफ और एक लॉन्ग वेरिएशन में कॉन्स्टेंट ग्राफ देता है, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी पे ही रेस्पॉन्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट देगा। देन हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते ही एक गेन देगा जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट पीक, एफ नॉट कह दें, कुछ भी कह दें, जो राइज पीक है जो हम इसको ये कह रहे हैं दिस वन, ये है गेन रेजोनेंट। तो ये आपको क्या मिलेगा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। उससे पहले क्या होगा कि आप लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ ट्रांसफर कपल फिगर। अब आप देखिए कि अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर क्या है, हम इसकी बात करते हैं। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज कांस्टेंट ओनली फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए ये स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, ये कांस्टेंट है। द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू द, क्यों कांस्टेंट है, द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो रहा है। एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी बिगिंस टू फॉल रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड गेन। एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्न्स ऑफ बाइंडिंग एक्ट्स एज ए बाईपास कंडेंसर। तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो आपकी बाइंडिंग्स हैं उसमें से करंट जो पास होता है उसको हम बाईपास कंडेंसर टू रिड्यूस द आउटपुट वोल्टेज एंड हेंस गेन, आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा एंड गेन हमें परफेक्टली गेन मिलेगा। सो द एम्पलीफिकेशन ऑफ ऑडियो सिग्नल विल नॉट बी प्रोपोर्शनेट एंड सम डिस्टॉर्शन विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस। इस हम डिस्टॉर्शन को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को, और देखिए ये मैक्सिमम ये जो हम्प है आफ्टर 20 किलो हर्ट्ज के बाद इस इसी हम्प को हम परफेक्टली गेन हमें मिल जाता है। तो ये है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व।
अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस इस एक्सपेरिमेंट को करते समय रखनी चाहिए, वो ये है कि द इनपुट वोल्टेज मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि हमें जो इनपुट वोल्टेज है हमें क्या करनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रखनी चाहिए, कंटिन्यूस थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं रखेंगे तो हमारा परफेक्ट ग्राफ नहीं आ पाएगा। बिफोर यूजिंग द BTBM और या ऑसिलोस्कोप इट शुड बी एडजस्टेड फॉर द प्रॉपर AC वोल्टेज। चाहे वो BTBM में करें या ऑसिलोस्कोप में करें, हम उसकी रेंज फिक्स कर लें जिससे कि हम परफेक्ट रीडिंग नोट कर सकें। तो ये एक प्रिकॉशंस हैं जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट, और एक और है कि जब भी एक्सपेरिमेंट को कनेक्शन करते हैं उस समय हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। हमने सारे सर्किट्स कर लिए, हम कॉन्फिडेंट हो गए कि सर्किट प्रॉपर है, तभी हम सर्किट को ऑन करते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, राइट? एक तो मैंने इम्पीडेंस मैचिंग की बात की थी। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इट प्रोवाइड्स ए हायर गेन देन द RC। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि RC कपल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में यहाँ पे हायर गेन हम रिसीव करते हैं। इट ऑफर्स 10 टू 20 टाइम्स हायर गेन वैल्यू देन द RC कपल एम्पलीफायर। देखिए कितना हायर है, 10 से 20 टाइम्स हायर। तो RC कपल एम्पलीफायर से कंपैरेटिव हम हायर गेन रिसीव करते हैं द ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर। द बिगेस्ट एडवांटेज इट हैज द फीचर्स ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्पीडेंस मैचिंग का फॉर्मूला भी बताया था कि किस तरह दोनों ट्रांसफार्मर मिलके आपस में मैचिंग करते हैं जिससे कि इम्पीडेंस सर्किट्स प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाए। दैट कैन बी डन बाय द टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो वन स्टेज लोअर इम्पीडेंस कैन बी एडजस्टेड विद द हाई इम्पीडेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। तो इस तरह हम इसको मैच कर सकते हैं। द कलेक्टर रजिस्टर एंड बेस रजिस्टर डू नॉट हैव एनी पावर। एक और एक बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर कोई भी पावर लॉस नहीं होता। कलेक्टर रजिस्टर एंड बेस रजिस्टर डू नॉट हैव एनी पावर लॉस। कलेक्टर रजिस्टर और बेस रजिस्टर दोनों में पावर लॉस नहीं होता। इफिशियंट इन ऑपरेशन, बहुत ही परफेक्ट इफिशियंट ऑपरेशंस मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। जैसे फर्स्ट है, इट ऑफर्स पुअर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इट्स वेरी पुअर देन द RC कपल्ड एम्पलीफायर की कंपैरिजन। और ये एक्सपेरिमेंट हम तभी सक्सेसफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले अगर आपने RC कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा हो, मैंने इसलिए उसको टच नहीं किया कि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे या किसी सर ने आपको पढ़ाया हो, तो रेस्पॉन्स देन द RC कपल एम्पलीफायर। सो गेन वेरीज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, पुअर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, और RC कपल एम्पलीफायर, सो गेन वेरीज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। इन दिस टेक्निक द कपलिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो कपलिंग किससे हो रही है, ट्रांसफार्मर कपलिंग हो रही है। सो लुक्स बल्की एंड एक्सपेंसिव फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और जब आप देखेंगे ट्रांसफार्मर, आपने रूटीन में देखा होगा एक बल्क का बल्की शेप में होता है, तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भी बल्की हो जाएगा। सो लुक्स बल्की, बड़ा एक्सपेंड दिखाई देगा, एक्सपेंसिव फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। देयर विल बी ए फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इन द स्पीच सिग्नल, सिग्नल्स में, ऑडियो सिग्नल में और म्यूजिक में। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन आ जाता है पुअर फ्रीक्वेंसी की वजह से। थ्रू द गेन इज हाई, इट वेरीज कंसिडरेबल विद फ्रीक्वेंसी, हैंस ए पुअर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। ट्रांसफॉर्मर टेंड्स टू क्या है, बड़ा हैवी हो जाता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। मोस्टली एप्लीकेशन इन सिस्टम वेयर टू मैच द इम्पीडेंस लेवल। एक तो जैसे बिगेस्ट एडवांटेज भी है, और उसको हम एक एप्लीकेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं कि जहां पर भी इम्पीडेंस मैचिंग करनी है, लेवल्स करना है, तो हम मोस्टली वहां यूज करते हैं। एप्लीकेबल इन सर्किट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द मैक्सिमम पावर टू द आउटपुट डिवाइस लाइक स्पीकर्स। अब ये जो एप्लीकेशन सर्किट है जो ट्रांसफॉर्मिंग करना, मैक्सिमम पावर को हम ट्रांसफर करते हैं आउटपुट डिवाइस में, जैसे लाइक कोई भी स्पीकर है
तो हम जो यूज करते हैं मैक्सिमम जो हम बोल रहे हैं वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। फॉर पावर एम्पलीफिकेशन पर्पज दिस ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर आर प्रेफरेबल। तो जितने भी पावर एम्पलीफायर्स हैं जैसे क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, ये जितने भी पावर एम्पलीफायर्स हैं हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हैं। थैंक्स।